नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ सलोनी। चलिए रुक करते हैं समाचार की ओर। श्री गंगानगर के सीओ पर आरोप लगाते हुए धड़साना के ब्लॉक अध्यक्ष विक्रम सिंह ने कहा कि मंत्रालय कर्मचारियों की जो राज्य सरकार से पदोन्नति दी गई है, जो सारे प्रदेश पदोन्नति की सूची में नौकरी में नियुक्ति दिनांक से की गई है, जबकि श्री गंगानगर में सीओ के द्वारा पदोन्नति पढ़ाई के अंकों के आधार पर की गई है, जो नियम विरुद्ध है। वह जो लिस्ट जारी की गई है जिसमें कई खामियां पाई गई हैं, उन्होंने बताया कि जारी लिस्ट में कार्मिकों के नाम भी सही नहीं हैं, जिसको दोबारा नाम दुरुस्त कर जारी किया जाए। यह वो जॉइनिंग डेट से ही निर्धारित होती है और उसी आधार पर होनी चाहिए, और सेवा अभिलेखों का कोई मिलान नहीं किया गया है। इसमें कई कार्मिकों का कार्य ग्रहण जो तिथि है वो भी इसमें गलत अंकित है, और जो कार्मिकों की योग्यता विवरण वो भी गलत है। तो इसके अंदर आपत्तियां दर्ज करवाई गई थी, उन आपत्तियों को कोई संज्ञान में नहीं लिया गया, उन आपत्तियों पे कोई विचार नहीं किया गया, और इन्होंने क्या किया, 14/9/22 को दोबारा से वरिष्ठता सूची, जो स्थायी वरिष्ठता सूची है, वो जारी कर दी बिना किसी नियमों को ताक पे रख दिया एक प्रकार से नियमों को। तो इसी संबंध में हमारा जो आज ज्ञापन दिया गया है, और यही हमारी मांग है कि इस वरिष्ठता सूची को सही किया जाए। इस मांग को लेकर क्या आपने कोई विभागीय कार्यवाही की या कोई जैसे आपके संबंधित अधिकारियों को सूचित? हमने ज्ञापन भी, आपत्तियां दर्ज होती है वो। अच्छा। और जिला लेवल पे इस संबंध में हमारे जो साथी हैं वहाँ पे जिला लेवल के, उन्होंने सीओ साहब से भी मिले थे, उनको ज्ञापन भी दिया था, लेकिन वहाँ इसकी सुनवाई नहीं हुई। गंगानगर जिले की अगर बात करें तो कितने कार्मिकों के साथ जो है ये नियमों को ताक पर, ये 17 कार्मिक ऐसे हैं जिनका तो वरिष्ठता सूची में नाम ही नहीं है। उनका किस आधार पे नाम नहीं है, इस संबंध में कोई उन्होंने नहीं निकाला। ऐसे कार्मिक हो ही नहीं सकता कि उनका नाम ही ना आए वरिष्ठता सूची में। वरिष्ठता सूची तो सभी की बनती है, कौन से किस नंबर पे है वरिष्ठता के अंदर, कब उसका होना है, लेकिन 17 तो ऐसे हैं। बाकी पूरी की पूरी वरिष्ठता सूची ही गलत है, क्योंकि इसको इन्होंने जो नियम है उन उसके अकॉर्डिंग इसको नहीं बनाया। अच्छा, आप क्या चाहते हो? आप नियमों से बनाया जाए, जो वरिष्ठता सूची है वो जॉइनिंग डेट है उसके आधार पर बनती है, या सभी विभागों में पंचायती राज नियम भी यही है जिसमें जॉइनिंग डेट से ली जानी है, लेकिन ये इसी आधार पे बननी चाहिए, यही हमारी मांग है। ले भाई साहब, एक दिन और जो थे शॉर्ट में बता दियो, मैडम ने आप पूरा बता दियो। तो ये नियम विरुद्ध कार्य पहली बार हो रही है। 2013 में जैसे भी 2013 के बाद में जो कर्मचारियों की भर्ती हुई उसके बाद में पहली बार हमें इंटरव्यू किया गया राजस्थान सरकार द्वारा। उसी की बात है कि राजस्थान सरकार ने मंत्रालय कर्मचारियों को इतना बड़ा तोहफा दिया है, उससे पहले भी सरकार ने हमारी वो जो एक मांग थी वो पुरानी पेंशन योजना वो भी लागू की है, तो सरकार को हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन स्थानीय स्तर पर गंगानगर जिला परिषद के द्वारा हमारे साथ में हमारे कार्मिकों के साथ में जिस तरीके से धोखा हुआ है, निश्चित तौर पर वो गलत है। हमारी ये मुख्य मांग है कि कार्मिकों की जो अपने वरिष्ठता सूची है वो जारी जॉइनिंग डेट से की जाए और उसी अनुसार से पदोन्नति की। इसमें आप क्या क्या नुकसान होने जा रहा है? नुकसान जो वरिष्ठता सूची जारी की है वो जॉइनिंग डेट से जारी की होनी चाहिए, लेकिन इन्होंने जिला परिषद जो सीईओ है उसने ये मेरिट बेस पर जारी की है, जबकि पंचायती राज नियम यह कहता है कि ये सूची जो है वो जॉइनिंग डेट से जारी होनी चाहिए। हमारी मुख्य मांग यही है कि ये जॉइनिंग डेट से सूची जारी होनी चाहिए और जो साथियों के नाम छूट गए हैं वो उसमें शामिल होने चाहिए। एक बार